हे यो, गुड मॉर्निंग। वैसे आज तारीख है 9 जुलाई 2022। यार ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बस ये मौसम जो इतना ज्यादा मस्त हो रहा है ना उस सीन को दिखाने के लिए। वैसे देख सकते हैं आपको दूर दूर तक क्लाउड्स वगैरह वो दिख रहे होंगे और इसका डायनेमिक रेंज थोड़ा काफी अच्छा है कैमरे का, तो वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो वाह, वो देख सकते हैं। और वैसे ही अभी देखेंगे ये पूरा यहाँ पे कड़कती धूप है, लेकिन अभी ये शेडो आ गया ऊपर में। हाँ ये देखिए, यहीं पे सूर्य भी है लेकिन ये वो क्लाउड की वजह से ना यहाँ पे वो भी छांव आ गया, अभी वो धूप उधर से आ रहा है। तो मतलब ये मौसम ना बहुत ही मस्त लगता है मुझे, और इसका मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था। हाँ तो वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बिहार के लखीसराय जिला में और किरणपुर गांव में हूँ, अपने गांव में। तो मतलब ये व्यू वगैरह काफी अच्छे लगते हैं। वैसे मैं बैक कैमरा थोड़ा वो चेंज करके स्विच करके ना मैं दिखाता हूँ। अरे यार उधर से धूप बहुत जोर की आ रही है, ये देख सकते हैं क्या मस्त लगता है देखने में। और ये जो सभी क्लाउड्स है ना ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और ऊपर में मतलब सुबह से ही मैं 2-3 दिन से ऐसा मौसम देख रहा हूँ। मैंने सोचा इसको कैप्चर करने के लिए, लेकिन बिजी रहने की वजह से ना मैं ये कैप्चर नहीं कर पाया। यार ये क्लाउड्स वगैरह देखो कैसे मस्त हैं, मतलब पूरा वाइट दिखता है और आसमान भी पूरा नीला, तो बहुत खूबसूरत। और इधर धूप, लगभग मैं धूप में जाने वाला हूँ अभी, बस लगभग आ ही जाएगा। तो ऐसे ही था। और इधर अपना गांव है, विलेज, और ये इधर नदी रिवर एरिया, और वैसे इधर से एक रोड भी गया है हाईवे तक। तो खैर यार बस यही था सीन। लेकिन खैर अभी और भी कुछ काम है, जैसे कि जो घर बनवा रहे थे ना। और यार ये देखो, ये लाइट देखो यार, उधर से वो धूप आ रहा है उधर की, लगभग आने वाला है यार। हाँ तो वो जो हाँ अपना घर भी वहीं पे दिख रहा है, ये देखिए किधर है। हाँ वो घर भी ना, वो घर मेरा ही है नया वाला। तो खैर उस घर को बनाने में जो सामान वगैरह जो लिए थे ना उसका पेमेंट करना था, तो वो अजय शाह के पास भी जाना है, उन्हें पेमेंट करना है। और तब तक मैंने सोचा यार थोड़ा शूट वूट कर लेते हैं, फिर क्या पता मौसम का रुख कब बदल जाए। मतलब फिर बारिश तो होना ही है कुछ दिन बाद, मतलब 4-5 दिन या 7-8 दिन बाद तो बारिश होगा। लेकिन खैर अभी का मौसम तो काफी सॉलिड है। सबसे ज्यादा मतलब जो बिहार में है ना लगभग 4 सीजन आते हैं, मतलब ये 4 सीजन में ये आ गया, पहला तो गर्मी, सर्दी, बरसात, मतलब जिसको बोलते हैं रेनी सीजन को क्या बोलेंगे, समर में गर्मी आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब वो चारों वेदर जो है आ जाता है बिहार में। तो काफी सही सीन है। और हाँ एक शीतलहरी को उसको क्या बोलेंगे, वसंत ऋतु कहते हैं, तो वो सीन है। या मैं यार धूप में तो इसका भी तगड़ा आएगा वीडियो। ओहो मस्टैंग, ये देखो यार काफी सॉलिड लग रहा है देखने में धूप में। और अच्छा इधर से लेंगे तो शायद और ज्यादा मस्त आएगा। मैं बैग को ना नीचे उतार लेता हूँ खेतों में बैठ के। और हाँ अभी कुछ फसलें, हाँ हाँ मकई वगैरह लगा हुआ है, फसल है लगा हुआ खेतों में। तो ये सीन है यार, एक थंबनेल के लिए ना वो लेते हैं फोटो, ये थोड़ा और दूर जाके लेते हैं, थोड़ा व्यू अच्छा बनेगा शायद। तो थंबनेल शॉट लेने के बाद अब थोड़ा गांव में चलना है यार, जो बाकी काम है उसको कंप्लीट करते हैं। और या उसके बाद फिर क्या विचार होगा। अच्छा हाँ गाड़ी का सर्विसिंग भी कराना है, गाड़ी का सर्विसिंग भी करवाने जाना है, वो आज या कल जैसा टाइम देखेंगे वो करेंगे। तो अभी जैसा कि हमने बताया था कि वो हिसाब करना था, तो ये अभी देखिए हम आ चुके हैं अजय शाह जी के शॉप में, और अभी हिसाब वगैरह हो रहा है, पेमेंट करना है। और यहाँ पे सीमेंट के पैकेट रखे हुए हैं, बाकी देखिए कितना ठगते हैं हमसे वो पता चलेगा। तो अभी हमारा जो भी हमने सामान लिया घर बनाने के लिए, मतलब बाकी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर दिया, वैसे तो हमको ज़्यादा लूट लिए हैं लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अजय भैया जी ये हमारे बड़े भैया ही लगेंगे ठीक है। अब थोड़ा बगीचा साइड भी जाएंगे घूमने, उसके बाद फिर घर जाएंगे। यार क्या बादल बादल दिखा रहे हो बार बार। तो ये वीडियो स्पेशल है ही यार, इस ब्यूटीफुल डे के लिए, इस मौसम के लिए, ये वीडियो ही उसी के लिए है डेडिकेटेड। तो रहेगा तो यही ना, ऐसा ब्राइट ना हमें ठंड में मिलती है ना ही बरसात में मिलती है, तो मतलब ऐसा स्पेशल डे तो इसी मौसम में मिलता है देखने के लिए, और वो भी 10-15 दिन के लिए, क्योंकि 10-15 दिन बाद फिर बारिश शुरू शायद हो ही जाएगा। यह बात यही था। और अभी वैसे जो टाइम चल रहा है वो आम का भी सीजन है, तो अभी ये बगीचे में यहाँ पर आम के पेड़ बहुत सारे हैं। बगीचा है तो ऑब्वियसली यार वो पेड़ पौधे तो होते ही। तो खैर यहाँ पे अपना बगीचा नहीं है, मतलब मेरा पर्सनल, वो बस एक दो पेड़ है, लेकिन स्पेशली बगीचा नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे ये रैंडम किसी पर्सन का है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे। यहाँ से आगे ये मानिकपुर वाला रोड है। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं, और बस यही, ये जो मौसम दिन, बस इन्हीं को मुझे कैप्चर करना था, और मुझे लगा ये आपके साथ ही मैं शेयर करूँ। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर देना है। और खैर अभी पूरा बिहार में ऐसा वेदर होगा, बाकी बात आप किस जगह से हैं और आपके साइड में कैसा वेदर है वो हमें बताइए। और बाकी थैंक यू, बाय।